आजाद नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर। थाना भमौरा क्षेत्र के गांव कुंडरिया इखलाशपुर रहने वाले संजय सक्सेना ने अपनी बहन उषा देवी की शादी 9 वर्ष पूर्व गोपाल निवासी कुआडांडा थाना भुता से की थी। अपनी हैसियत के मुताबिक काफी दान दहेज दिया था, परंतु दिए गए दान दहेज से उसका पति गोपाल, ससुर मंगली प्रसाद तथा सास संतुष्ट नहीं थे। कम दहेज का ताना देकर उषा देवी का उत्पीड़न शुरू कर दिया था। इस कारण से विवाह के बाद अधिकांश समय उषा देवी ने अपने मायके में बिताया। इसी बीच उषा देवी के दो पुत्र हुए। उषा देवी के पति, सास ससुर दोनों देवर तथा विकास की पत्नी, सभी लोग उषा देवी से मायके वालों से प्लैट दिलवाने की मांग करने लगे। प्लैट की मांग पूरी नहीं कर सके तो सभी लोगों ने एक राय से उषा देवी को जान से मारने की योजना बना ली और उसको मारा पीटा। अपने गांव के ही एक झोला जाप डॉक्टर रामेश्वर दयाल से साठ गांठ करके उषा देवी को जान से मारने के इरादे से षड्यंत्र पूर्वक गलत इलाज करा दिया। बीती 3 फरवरी को उषा देवी की इसी के चलते मृत्यु हो गई। उषा देवी का गुपचुप तरीके से दाह संस्कार करने के लिए गांव के मरघट ले जा रहे थे, तभी इस बात की सूचना उसने पुलिस को दी। पुलिस ने इन लोगों को दाह संस्कार करने से रोककर उषा देवी के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम करवाया। थाना भुता पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आज एसएसपी को तहरीर देकर गिरफ्तारी की मांग की है। ये सर मेरी सिस्टर की 2 फरवरी को हत्या कर दी सर, अभी तक पुलिस में जाओ तो वो भगा देते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है जी। कहाँ का मामला, कहाँ शादी करी थी? शादी सर हम रहने वाले कुंडरी इखलासपुर के हैं, थाना भमौरा, शादी की थी कुआडांडा ब्लॉक, वो थाना भुता लगता है सर। वहाँ से सर वहाँ थाने में जाते हैं तो भगा देते हैं, कोई कार्रवाई आज तक कुछ नहीं बताया उन्होंने। किस तरह कर दी सर? जीजा ने कर दी, मेरे उस पे निशान, चाकू चूकू के निशान लगे हुए हैं शरीर पे सारे, और अभी तक पुलिस वालों ने वहाँ जाके कुछ भी पूछता कुछ भी नहीं किया। हाँ जी हाँ जी। कब की बात है सर? 2 फरवरी की है जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर, एसएसपी के पास भी 2 बार जा चुके हैं हम जी। शादी कितने साल हो गए? शादी हो गई जी 8-9 साल हो गए जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं जी। अब आप क्या चाह रहे हो सर? कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना, कार्रवाई अभी तक कोई नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।